Entertainment show and entertainment show with Ajmal Khan Chowi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. एक और यादगार ट्रैक, यादगार आवाज़। जी हाँ, रेशमा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक जिसे दुनिया भर में बड़ी धूम मचा दी थी और ये इंडिया की फिल्म में हीरो में भी शामिल किया गया बहुत बाद में। पहले तो रेशमा जी ने गाया और फिर उसको बाद में शामिल किया गया वहाँ पर और ज़्यादा के पहुँच गया। तो ये तो आवाज़ें देखिए यही है। और अब कहते हैं जब रब आता है ना इज़्ज़त देने पर तो ऐसे ही होता है, पता नहीं चलता कहाँ की कहाँ आवाज़ कहाँ से। अब देखें सहराई आवाज़ के जो कहाँ आवाज़ कहाँ गाती थी, कहाँ घूमती थी, अब मैंने कहाँ पहुँचा दिया। तो ये सारे बड़े खेल कहते हैं मुकद्दर के खेल हैं, मुकद्दर के खेल, इन पर किसी का जोर नहीं, किसी को पता नहीं आने वाले पल में क्या होने वाला है। ये सिर्फ रब जानता है और कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, क्या है, भला है, बुरा है, अच्छा है, क्या है, क्या होगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मगर आने वाले पल के लिए हमेशा अच्छी दुआ रब से मांगते रहें और हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि वो शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। चलो जी, आते हैं एक बार फिर अपने कुछ मैसेजेस की जानिब और देखते हैं। हाँ 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 जी जनाब, और क्योंकि वीडियो जो है वो ड्रॉप हो गई थी, हमने फिर दोबारा शुरू कर दी, फिर हम आ गए। हम भी बड़े किन्नी वाली ड्रॉप हो गई, वो जान दे सासी भी पीछे नहीं हटना। तो जनाब रेहान कुरैशी कहते प्यारे भाई ऑस्ट्रो नॉर्वे वाले, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें जो है वो ज्वाइन किया होगा उन्होंने, और उसके बाद मलाइका को सानू एक पल चैन ना आवे, और सजना तेरे बिना, और सजना तेरे बिना। रेहान कुरैशी की लंबी जुदाई के दरमियान जुदाई छोटी जुदाई भी हो गई थी। जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी राहों में, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। तो ये देखें ना, लंबी जुदाई के दरमियान में कट आ गए एकदम, और जुदाई के दो टोटे कर दिए गए, मगर हमने फिर टोटा जोड़ दिया तो कहानी फिर आ गई। तो बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे साथ मौजूद हैं। और अब यूँ करते हैं कि ज़रा आते हैं हम एक और आवाज़, माजी की एक और आवाज़, एक ज़बरदस्त ट्रैक, आपको पसंद आए या ना आए मगर आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, मुझे पता है। ज़ैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया। हाँ जी जनाब, सनी मिस्टर कहते कब जब सर पर बनी तो याद आया मिस्टर सनी, कहते अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आपको वेलकम, खुश आमदीद। ज़हे नसीब, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. सज्जाद अली साहब की वाकई क्या बात है, ज़बरदस्त आवाज़, बड़ी नाइस, और पर्सन भी बड़ी नाइस है, और आवाज़ भी खूबसूरत है, और गायकी भी ज़बरदस्त है। तो जनाब वक्त 2:47 हो चुके हैं, आप लाइव कॉल कर रहे हैं तो कर लें, आते हैं आपके पास, चले आपसे बात करते हैं, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? किस अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई का। जी जनाब, खैर है? बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, क्या? जी जी, मेरे संदरो, बिल्कुल पीछे से आवाजें भी आ रही हैं, बच्चों की आवाजें आ रही पीछे से, कहाँ बैठे हुए?
दुकान पे अपना सर। अच्छा ठीक है। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त? आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त? जी। कैसा लग रहा है? जबरदस्त सर। गाने पसंद आ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम। गाने पसंद आ रहे हैं? जी। गाने म्यूजिक पसंद आ रहा है आपको? पुराना इसमें तो बहुत सारा म्यूजिक का सुनाया। ये जो अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले, मुनीर हुसैन का था। कौन सा अभी जो चला है? इससे पहले कौन सा था? इससे पहले ये नहीं, ये अभी सज्जाद अली था। इससे पहले रुबीना बदर की आवाज थी, फिर उसके साथ साथ जो मोइन अख्तर की आवाज थी। मोइन अख्तर साहब की आवाज में आज खुशी से घूम रहा है मेरे एक परदेसी दीवाना, है ना? हाँ, ये वाला भी। चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। मेरे सनवरी अपना ख्याल रखना, तमाम दोस्तों का सलाम करना, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, मेरे सन बरोई के साथ अब चलते एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शौकीर भाई, नितिन करके बोल रहा हूं। जी जनाब, कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। बहुत मज़ा आ रहा है शौकीर भाई। बस हमें तो कोई फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कोशिश तो ये करता हूँ कि फरमाइश की जरूरत ना पड़े। बस सर क्या करें, हमने वक्त अच्छा गुजरा, गुजर ही जाए। जजाकल्लाह। बस मैं खुशियों में याद रखें, दुआओं में याद रखें। खुशियाँ तो मिल बांट की होती है सारी। हम एक दूसरे को खुशियों में याद रखेंगे तो अल्लाह हम सबको याद रखेगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। और इसके बाद चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। 111111100 पर आपसे इस वक्त मेरी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लारेब, कैसी हैं आप? जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरी भाई की दुआएं। जज़ाकअल्लाह, खुश हैं आप? अल्लाह आपको खुशियां दे। ठीक ठाक हैं आप? सब नहीं, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ मैं। अल्लाह ताला पर खुश रहें। बस दुआओं में बहुत बहुत सलाम और दुआ। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जजाकल्ला। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी लारेब हमारे साथ मौजूद थी। वक्त 2:50 हो चुके हैं और टाइम बड़ी छेती से बढ़ता जा रहा है, मगर हम भी आगे बढ़ रहे हैं आपकी कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल बोल रहा हूँ गोधरा से। जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? इस्माइल भी खैरियत से? अल्लाह का करम। मैं आपसे फरमाइश की थी खामोश निजायत का गाना, जो था लाखों हंसे मुझे तुम क्यों पसंद आ, मैं प्ले नहीं किया उस दिन। देखो यार, ये ऐसा भी होता है कभी कभी। हाँ ना, आप अभी चाहो तो पूरा चलाना, रिकॉर्डिंग करूंगा मैं। सही? अच्छा ठीक है। लाखों हंसी मुझे तुम की पसंद हो है। हाँ, बिल्कुल। चलो इंशाल्लाह, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। और जनाब यूँ करते हैं कि अब चलते हैं, ज़रा एक खूबसूरत ट्रैक शामिल करते हैं, माजी की खूबसूरत यादों में चलते हैं, क्योंकि अभी माजी की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सी याद है। और कौन सी है ये याद? जी जनाब, ये सुनिएगा, बताइएगा ये आवाज़, जावेद अख्तर साहब की आवाज़। क्या माजी का यादें तो ऐसी यादें होती, ताज़ा होती, फिर जब कहते बात छिड़ जाए तो फिर बात बड़ी दूर तक निकल जाती है। और जनाब अहमद दराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद, आज अभी तक मौजूद हैं। उस्मान नबी कहती हैं जावेद अख्तर सिंह घर, बिल्कुल सही कहा आपने। शबाना सुहेल, आपने बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल, शायद नहीं, यकीन जावेद अख्तर साहब की आवाज़ थी ये। और शबाना सुहेल, थैंक यू जी। और उसके साथ साथ सकीना खान, थैंक यू जी, कहती हैं कि शफाउल्ला खान, ये शफाउल्ला खान कौन है ये समझ में नहीं आया भाई ये। और उसके साथ साथ भी अहमद दराज साहब तो पहले ही बता चुके कि आवाज़ जावेद अख्तर साहब की है, बिल्कुल। और अहमद दराज साहब माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये तो खुद बहुत ज़्यादा मिले भी हैं जावेद भाई से। और कहते तुम वही हो, वही लोग आज बता देते हैं, क्या बात है यार, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और सकीना कहती है आज तो आपने कॉल ले कर हैरान कर दिया, मैं इससे पहले भी कॉल ले रहा हूँ, मैं आपको याद होगा, और जब कॉल लगाते तो नहीं लेते थे और आज सोचा भी नहीं था तो आपने कॉल ले ली एकदम। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, है ना? तो खैर बहरहाल जी। और मलाइका कहती शुक्रिया सर, थैंक यू, भूली बसरी यादें। उस्मान अभी कहती हैं ये ऐसा ही होता है कभी कभी इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है, कहते
ہیں اس طرح کے کاموں میں. اور اس کے بعد اب یوں کرتے ہیں جاوید صاحب کی آواز کا بتانے والی آواز اجمل شبی بھائی کی. تھینک یو, جزاک اللہ, خوش ہیں بہت, جزاک اللہ. اور شان قریشی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اب چلتے ہیں, ذرا ایک آخری بس یادیں ہیں, اور یہ آخری یاد ہے جناب, خوبصورت سی یاد سنیے گا. اور کیسی پیاری پیاری, جا اسی کے ساتھ اور اپنی محبت کا ڈرامہ اسی کو سنا. ارے یہی تو سننا چاہتا تھا. ویسے ایک بات کہوں تم سے, تمہارے سوا کسی سے پیار کی بات کروں تو میری زبان کاٹ دے, کسی اور کی طرف محبت سے دیکھوں تو میری آنکھیں پھوٹ دے. مانا کہ یہاں ساری دنیا کا حسن موجود ہے, نہ جانے کیوں مجھے تم ہی پسند ہو. لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کو پسند ہو, یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا. لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کو پسند ہو, یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا. لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کیوں پسند ہو. انداز ہے جیسا نہیں ہے کوئی جان کیا داد ہے. لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کیوں پسند ہو, یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا. لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کیوں پسند ہو. تیری قسم مجھے اپنی پسند پر ناز ہے, دل پر چرانے والی تو بڑی تغابات ہے. سب سے بلند ہو, لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم ہی پسند ہو. اچھا جواب ملا میرے سوال کا. اور اب اس آخری ٹریک کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آج کے اس پروگرام کو ختم کروں گا.